हेलो दोस्तों, आज के युग में गोरा रंग पाना हर व्यक्ति चाहता है। हम अपने चेहरे को आकर्षित बनाने के लिए कई प्रकार के बाजार में उपलब्ध ब्यूटी प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सभी के इस्तेमाल के बाद भी जब हमारे सामने कोई परिणाम नहीं आता है तो हम काफ़ी निराश हो जाते हैं। आई हम आपके लिए 3 ऐसे घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं जिनको अपनाने के बाद आप चाहे लड़का हो या लड़की, सभी के चेहरे को गोरा बना देगा और एक चमकदार त्वचा प्राप्त होगी। आइए जानते हुए कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनको अपनाने से आप चमकदार और खूबसूरत त्वचा पा सकते हैं। इन घरेलू उपचारों की मदद से आपको किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से आयुर्वेदिक होते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 टिप्स बताए हैं जो कि आपके चेहरे के लिए काफी फायदेमंद है। इन्हें इस्तेमाल करने से आपके चेहरे की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और आपका चेहरा काफी गोरा, बेदाग और चमकदार दिखने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सी वो 3 टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपने चेहरे को गोरा बना सकते हैं। तो टिप्स नंबर 1 है दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी सफेद नमक की। आपको यहाँ पर थोड़ा सा सफेद नमक लेना है और दूसरी चीज आपको जो लेनी है वो दोस्तों नींबू। आपको क्या करना है, सफेद नमक के अंदर थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करना है। और इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों, आपको इस पेस्ट को लेकर अपने चेहरे पर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है। जिस तरीके से आप स्क्रब करते हैं ठीक इसी तरीके से हल्के हाथों से इसे अपने चेहरे पर मसाज करें। कम से कम 2 मिनट तक आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है, फिर इसके बाद आप सादा पानी से अपने चेहरे को धोकर साफ कर दें। टिप्स नंबर 2 है दोस्तों, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी खाली बाउल की। आपको एक खाली बाउल लेना है और इस खाली बाउल में आपको सबसे पहले जो चीज लेनी है वो है दोस्तों ग्लिसरीन। आपको यहाँ पर इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन का ऐड करना है। ग्लिसरीन हमारे चेहरे के लिए काफी अच्छा होता है। ये हमारे चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है, साथ ही हमारे चेहरे पर मॉइस्चराइजिंग करता है जिससे हमारे चेहरे में नमी बरकरार रहती है। दूसरी चीज जो आपको लेनी है वो दोस्तों गुलाब जल। आपको यहाँ पर इसमें 1 चम्मच गुलाब जल का भी ऐड कर देना है। अब इसके बाद आपको इसमें 4-5 बूंदें नींबू के रस की भी ऐड करनी है। अब आपको इन तीनों चीजों को अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद में आपको एक कॉटन की मदद से इसे अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। इस तरीके से एक कॉटन लें और इसे जो अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करें। कम से कम आपको इसे 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा कर छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद आपको सादा पानी से अपने चेहरे को धोकर साफ कर देना है। दोस्तों, ये उपाय आपके चेहरे की जितनी भी गंदगी है, धूल मिट्टी है, सबको खत्म करेगा, क्योंकि इसमें हमने नींबू का रस ऐड किया है जो कि हमारे चेहरे पर ब्लीचिंग की तरह काम करता है। ये हमारे चेहरे की जितने भी बंद पोर्स होते हैं उन्हें खोल देता है और चेहरे से गंदगी और तेल को बाहर निकाल देता है, जिससे हमारी त्वचा काफी ग्लोइंग बनती है। तीसरा जो उपाय है दोस्तों वो ये है, आप जो है खाली कटोरी लें और इस खाली कटोरी में आपको सबसे पहले जो चीज लेनी है वो दोस्तों हल्दी पाउडर। आपको यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लेना है जो कि आप मेरे पास देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ इतना सा। फिर इसके बाद अगली चीज जो आपको लेनी है वो दोस्तों गेहूं का आटा। आपको यहाँ पर हल्दी से दोगुना जो है गेहूं का आटा इसमें ऐड कर देना है। फिर आपको दोस्तों इस पेस्ट को बनाने के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल करना है। आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करें और इसका पेस्ट बनाएं। दोस्तों, ये फेस पैक आपका बनकर तैयार है। इसे भी लगाने से ये आपके चेहरे के दाग धब्बे, काले निशानों को दूर करेगा, साथ ही आपके चेहरे को गोरा बनाएगा। तो इसे भी लगाने का तरीका दोस्तों वो ये है, आप उंगलियों से इस तरीके से लें और इसे अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करें। इस तरीके से आपको पूरे चेहरे के ऊपर इसे लगाकर कम से कम 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। 20 मिनट बाद जब ये सूख जाएगा तब आपको इसे सादा पानी से धोकर साफ कर देना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके चेहरे पर काफी अच्छा निखार आएगा। ये आपके चेहरे के जितने भी
दाग धब्बे हैं, काले निशान हैं, सबको खत्म कर देगा और आपके चेहरे को काफ़ी गोरा चमकदार सुंदर बना देगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा अच्छा सा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।